नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित और आप देख रहे हैं अमित पाजी ऑफिशियल ब्लॉग। ये मेरा सेकंड ब्लॉग वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वो थोड़ा जल्दबाजी में हो गया था। मैंने उसमें कमिट किया था कि मैं हर दिन एक नई वीडियो डालूंगा, बट नहीं हो पाया टाइम की कमी की वजह से। सोच रहा हूँ कि कई सारी ऑडियंस ऐसी है जो कनेक्टेड नहीं है मुझसे, अभी मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानती, तो आपको बताने वाला हूँ अपने बारे में थोड़ा बहुत। दोस्तों, मैंने जो अपनी पढ़ाई करी है वो मतलब नर्सरी के जी से ग्रेजुएशन तक वो मैंने दिल्ली में करी, कंप्लीट करी है गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट कॉलेज में। 2016 में ग्रेजुएशन करी थी मैंने कंप्लीट, 2013 में 12वीं कंप्लीट की थी मैंने। और इसके अलावा और क्या बताऊँ आपको। तो दोस्तों, अभी मैं मतलब अभी से मैं स्टार्टिंग से अभी तक मैं दिल्ली में रह रहा था अपना, वहीं पर पढ़ाई वढ़ाई करके वहीं काम वाम कर रहा था। लेकिन जो लॉकडाउन हुआ, ये कोरोना वायरस का जो टाइम आया, लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से मैं इससे पहले किसी कंपनी में काम कर रहा था, तो वहाँ से मतलब कोरोना की वजह से जॉब छोड़ना पड़ गया। और अभी फ़िलहाल मैं किसी कंपनी के लिए, जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे वर्क फ्रॉम होम करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो जो जॉब है, मैंने दिल्ली से जब कोरोना टाइम स्टार्ट हुआ था मैंने जॉब छोड़ दी थी, अपने गाँव आ गया था। लैपटॉप वगैरह मतलब मैंने एक नया लैपटॉप परचेस कर लिया था, मुझे उम्मीद थी कि मैं गाँव में जाकर वर्क फ्रॉम होम की नौकरी ढूंढ लूँगा। तो उस टाइम पे सेफ़ भी नहीं था फैमिली के लिए, मम्मी पापा सारे लोग वहाँ रहते थे, तो सेफ़ नहीं था मतलब उस टाइम पे दिल्ली में रहना। काफ़ी ज़्यादा केसेस दिल्ली में डेली बढ़ रहे थे, तो हमें भी लगा कि जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, बस और ट्रेन की टिकटें मिलने लगी, तो हम लोग गांव आ गए अपने लखनऊ रायबरेली ज़िला क्षेत्र सेवगढ़ के पास गाँव है बरजोर खेड़ा, यहाँ पर हम लोग आ गए। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने नौकरी मतलब, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब छोड़ के आया था, और वही हमारे साथ, मैं सुबह जब सो के उठा तो हमारा पुराना घर है जहाँ पे जो पापा ने कभी बनवाया था, वो टूट मतलब पूरा जर्जर हो चुका है घर, बहुत पुराना घर हो चुका है वो। तो उस पर सीताफल की सब्जी वगैरह वो लगा रखी थी, तो वो छत पे चढ़ी हुई है उसकी बेले, तो मैं उसको तोड़ने गया था। इसी क्लिप में अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं कल शाम को जब गया था उस छत पर चढ़ गया, तो मैंने देखा था उसमें 3-4 सीताफल थे, जैसे कद्दू बोलते हैं। और आज सुबह बता रहे हैं कि बंदर वगैरह गांव में, बंदर वगैरह, बंदर होगा ना एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो बंदर वंदर आके यहाँ पे सारे के सारे कद्दू खा गए। तो मैं जाके थोड़ा सा देख के अजीब सा लगा मुझे। तो एक क्लिप देखिए, बताइए कैसी लगी वीडियो आपको। यह मतलब कितना लगभग लगभग मान लो लद्दाख जा रहा था। हाँ, लद्दाख उससे जा रहा था और छत्तीसगढ़ से निकला था। अच्छा जी। उसने गली में बहुत सारे उसे लोग मिले, उससे देख के उसे दो जगह लगभग लगभग 500-500 रुपए मिले। बोले एक भाई पेट्रोल भरा लेना आप, इतनी जो वो वैक्सीन का मतलब वो उसकी जानकारी लेने निकला, जिससे भी मिलता है उससे पूछता है कि आपने वैक्सीन सेकंड डोज लगवाई कि नहीं, उसकी मतलब एक पहल करने निकला है। तो वही लोग पूछ जांच रहे, लेकिन बोलता है ये मैंने स्पेशल तौर पे लद्दाख जाने के लिए खरीदी। मतलब भाई अच्छा है यार, फिर तो बढ़िया है, नज़ारा अच्छा लगता है यहाँ का, गांव का है ना, हरियाली अच्छी लगती है देखने में। हम लोग भी कर सकते हैं यार फिर अपनी गाड़ी से, भाई चलते हैं ना किसी दिन, चलो डलाते हैं बुलेट में तेल, 2-3 लोग चलते हैं आराम से लद के लद्दाख। क्या 3 लोग जा नहीं सकते ना। La 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 la
रहा यार, खड़े हो जा थोड़ी देर। हाँ ऐसे अंधेरा दिख रहा है इधर से, इधर आ जा इधर। वाह क्या एक दादा, इतना इतना मस्त आ रहा चेहरा पूछो मत। चल चल दे चलो। यहाँ पे कई सारे सांप हैं, मैंने इस जगह पे जो हमारी बगिया है इस जगह पे मैंने कई बार सांप वगैरह देख रखे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान होकर चलना पड़ेगा। शहर नहीं है, थोड़ा सा गांव है, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है आपको। शाम के 4:30 बज चुके हैं और मेरी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, जो कि 9 घंटे तक चलेगी। 1:30 बजे तक मैं काम करूंगा ऑनलाइन अपने, ये मेरा लैपटॉप है तो इसी से मैं शिफ्ट अपनी करूंगा 9 घंटे। ये पीछे गद्दे वद्दे लगा रखे हैं मैंने फॉर्म के, जिससे मुझे थोड़ा सा आराम मिले, और यहीं पर बैठ के अपना मैं काम करने वाला हूँ 8 से 9 घंटे। कई मतलब ज़रूरी नहीं मैं बैठ के काम करूँ, कई बार जब देखता हूँ थोड़ा काम कम है तो लैपटॉप मैं जैसे कहीं और बेड पे ले जाकर चला गया, वहाँ बैठ के काम कर लिया या बाहर बैठ के काम कर लिया कुर्सी उर्सी लेके। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों रात के 1:30 बज चुके हैं और मेरी शिफ्ट ओवर हो चुकी है, तो अभी यह वीडियो एडिट भी कर रही है, तो ये वीडियो एडिट करते हैं, एडिट करके सुबह इस वीडियो को शायद अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय जय भारत।